दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की बर्फी की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है 2 कप चीनी और हमने ड्राई फ्रूट्स में लिया है किशमिश, अखरोट, बादाम, काजू, गोंद, पिस्ता और यहाँ पर लिया है मखाना और जो गोला होता है सूखा नारियल उसको हमने इस पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। तो ड्राई फ्रूट अपने मनपसंद ले सकते हो आप। अब हमने गैस पर रखी कढ़ाई, इसमें हमने डाला है घी, घी में 2 बड़े चम्मच डाला है, इसको हमने गर्म कर लिया है। अब इसी में हम डाल देंगे गोंद, गोंद को हमें फ्राई कर लेना है और धीमी आँच पर हम गोंद को फ्राई करेंगे, तभी जो गोंद होता है अंदर तक सिक जाएगा अच्छे से। अब हम गोंद को बाहर निकालेंगे, अच्छे सिक्का तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए काजू और कटे हुए बादाम, कटे हुए अखरोट और कटे हुए पिस्ता। इन सभी को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने से अच्छा इसका टेस्ट आता है। ज़्यादा नहीं करना, हम 30 सेकंड के लिए करना है। तो अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे, अच्छे से फ्राई हो गई है। अब उसी घी में डालेंगे मखाना, मखाना को अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। मखाना अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे ये खरबूजे के बीज, इनको भी हम थोड़ा सा चटकने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों आप देख सकते हो चटकने लगे हैं। अब इसी में डाल देंगे जो हमने गोले को स्लाइस में कट करके रखा था, वो इनको भी हम इसी के साथ भून लेंगे। अब हम निकाल लेंगे इसको बाहर। अब हम उसी कढ़ाई में डालेंगे चीनी, चीनी के साथ जाएगा इसमें 1 कप पानी। 2 कप चीनी लिए तो 1 कप पानी जाएगा और इसकी हम 2 तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट, केवल हमने इसमें किशमिश को फ्राई नहीं किया है। अब इनको हम थोड़े से हाथों से ही क्रश कर लेंगे, इसको हमें मिक्सी में नहीं चलाना है नहीं तो ये पूरा पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। तो हमने मखाना को हम थोड़े हाथों से क्रश कर लिया। तो दोस्तों चाशनी हमारी अच्छे से बॉईल होने लगी, इसकी हमें 2 तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो दोस्तों हमने इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर ली है, इसकी चाशनी अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम सारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे और किशमिश भी डाल देंगे इसमें। इसको हम 2 मिनट के लिए चला लेंगे अच्छे से, जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है, केवल हमें 2 मिनट के लिए चलाना है। तो दोस्तों 2 मिनट हो गई हैं और किशमिश से हमारी अच्छे से फूल कर तैयार है। अब हम कर देंगे इसको बंद और इसको हम एक ग्रीस की हुई ट्रे में निकाल लेंगे, अच्छे से इसको सेट कर देंगे। तो दोस्तों ये जम गई है, अब इसको हम काटेंगे।
अब हम पीस को अलग निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से निकल रहे हैं सारे पीस को, ऐसे ही हम निकाल देंगे। तो दोस्तों हमारा मेवा पाक बनकर तैयार है, तो आप जरूर बनाइए अपने घर पर जन्माष्टमी की खास मिठाई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं अगली एक न्यू रेसिपी के साथ।